बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर बढ़ती अत्याचार की घटनाओं को लेकर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। इसी के चलते इंदौर जिले के महू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला आग के हवाले कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की गई। महू ड्रीमलैंड चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने संयुक्त रूप से आतंकवाद का पुतला फूंक नारेबाजी कर महामहिम राष्ट्रपति को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए महू SDM अक्षत जैन को ज्ञापन दिया, जिसमें सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के साथ आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। से 22 जिलों के अंदर हिंदुओं के विरुद्ध एक आक्रमण और एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में राष्ट्रव्यापी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे राष्ट्र में, इंदौर जिले सहित पूरे राष्ट्र के अंदर, हर प्रांत, हर जिले, हर तहसील के अंदर बांग्लादेश और ये जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका पुतला दहन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार को चेताए और उन्हें यह बात स्पष्ट करे कि भैया आप अपना स्टैंड क्लियर करें, क्या आपके वहाँ पर अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं वहाँ पर वो सुरक्षित हैं या नहीं। जिस प्रकार हमारे भारत देश के अंदर भी वो उस समय जब 5-7% थे, आज 20% हो गए हैं, उस प्रकार वहाँ पर हिंदुओं के घटने का कारण क्या रहा, इस बात को देखा जाए, इस बात को समझे जाए बांग्लादेश के द्वारा और सुरक्षा परिषद के अंदर राष्ट्रपति महोदय इस चीज़ को उठवाएं। ये हमारे देश की सरकार का कर्तव्य बनता है ताकि हम पड़ोसी देश के हिंदुओं का हितों की रक्षा करें, अन्यथा वहाँ पर भी हमें बजरंग दल को खड़ा करना पड़ेगा और वहाँ पर भी हम जवाब देने में सक्षम है, हमारे हिंदू भाइयों का साथ देने में और वहाँ पर भी हम जाकर लड़ने में और सहार करने में बांग्लादेश के अंदर भी सक्षम है, क्योंकि भारत हमारा देश है, बांग्लादेश भी हमारा देश था, लेकिन भविष्य में ऐसी योजना ना बनानी पड़े कि भविष्य में हमको बांग्लादेश को भी अपना देश बनाना पड़े। जय श्री राम। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।